हाय गाइस, वेलकम बैक। सो ओवरसीज एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है कल की। यस गाइस, दैट्स द न्यूज। ये है धमाकेदार न्यूज जो कल आधी रात को आई थी। अब ये कहां कहां पर ओपन हो चुकी है एडवांस बुकिंग, नंबर्स कब तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाकी और कंट्रीज में क्या कुछ चल रहा है, यानी कि कहां कहां पर और कौन कौन सी एजेंसीज ऑन बोर्ड आ चुकी है एडवांस बुकिंग को लेकर, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, और साथ साथ में बात करेंगे आज प्रीमियर होने जा रहा है प्रिल्यूड का, तो क्या आज ट्रेलर आने वाला है या नहीं, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। वीडियो कहीं जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। भाई साहब, ये है बात आधी रात की कल, जब पता चला कि ओवरसीज में एडवांस बुकिंग जो है वो ओपन हो चुकी है कहीं कहीं पर सिलेक्टेड लोकेशंस में। ऐसा नहीं है कि सब जगह ही आपको एडवांस बुकिंग नजर आएगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आप किस किस एरिया में अगर बिलोंग करते हैं तो आपको मतलब लॉटरी लग गई है, समझो कि यार कल्की की एडवांस बुकिंग होना इज नॉट अ जोक ओवरसीज में। देखो कल रात को ये न्यूज आई थी, मतलब जैसे मैं बता रही हूँ मिडनाइट के आसपास ये न्यूज़ आई थी, और ये एडवांस बुकिंग हो चुकी है कैम्ब्रिज में। ठीक है, ये कैम्ब्रिज जो है लोकेशन, दिस इज इन यूके। यूके में एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आईमैक्स कैम्ब्रिज की सिंगल स्क्रीन है यहाँ पर, और यहाँ पर तबाही स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, वेंसडे 26th ऑफ जून एंड थर्सडे 27th ऑफ जून दोनों दिनों की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। अभी देखते हैं आगे चल के क्या कुछ होगा। ये है द लाइट को, द लाइट को के नाम से थिएटर है, द लाइट को इन आईमैक्स कैम्ब्रिज। ऑलरेडी आप यहाँ पर अगर रहते हो, कहीं आसपास के एरिया में रहते हो, तो आपको भाई देर नहीं करनी चाहिए, टिकट बुक कराओ। और ये एक लोकेशन नहीं है, अभी और भी मुझे लगता है ड्यूरिंग द डे ये लोकेशंस और ज्यादा बढ़ जाने वाली है व्हेन इट कम्स टू ओवरसीज। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब एक दो सिलेक्टेड लोकेशन से एडवांस बुकिंग ओपन हो जाती है, उसके बाद हम लोग ये मान के चलते हैं कि जल्दी से जल्दी नंबर जो है वो बढ़ने शुरू होंगे, और होता भी है ऐसा। लेकिन ऑफिशियली जो डेट आ चुकी है फॉर नॉर्थ अमेरिका एडवांस बुकिंग, दैट इज 5th of June। जी हाँ, 5 जून को ऑफिशियली डेट आ चुकी है कि 5 जून को ओवरसीज एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी नॉर्थ अमेरिका में। अब नॉर्थ अमेरिका तो भाई वहां पर तो ना रेबल ही होता है, रेबल स्टार रेबल ही करते हैं, जिस तरीके की वहां मैडनेस है प्रभास को लेकर, इट्स अनबिलीवेबल टू सी। कि इंडिया तो है ही भाई, इंडिया में तो पूरे पैन इंडिया हम बोलते ही हैं अब, ही इज अ ग्लोबल पैन ग्लोबल स्टार। एंड नॉट जस्ट दैट, नाग अश्विन ने एक कल स्टेटमेंट आई थी जो उन्होंने बताई भी है कि कल्की एक ऐसी फिल्म है जिसको देखकर आपको ऐसा लगेगा जब आप थिएटर से बाहर निकलोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, मुझे वापस उसी दुनिया में जाना है जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ, ऐसा आपको फील होने वाला है इस फिल्म में। तो यार मतलब देखो, अब साईफाई मूवीज जो होती हैं, और स्पेशली वो जो किसी और डायमेंशन में चल रही हैं, किसी और टाइम स्पेस में चल रही हैं, भाई वो फिल्में तो 100% हमारे को एक एक्सपीरियंस देती हैं कि आप अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो। अब सोचो आईमैक्स भी है साथ में और ऐसा एक्सपीरियंस होगा, तो तुमको ऐसा कहीं से भी नहीं लगने वाला कि तुम इंडिया की कोई फिल्म देख रहे हो, दैट टू तेलुगु सिनेमा। हिंदी सिनेमा तो बोलते ही रहते हैं कि हम ऐसी मूवीज बनाते हैं, वैसी ही है, ये है वो है, लेकिन भाई ऐसा कॉन्सेप्ट और इतनी मेहनत, 600 करोड़ का ऑफिशियल बजट जो कल प्रभास ने बताया था अपने इंटरव्यू में, दैट इज नॉट अ जोक, दैट इज जस्ट नॉट अ जोक। एंड आई एम श्योर कि हमारे को ऐसा फील कराने वाले हैं नाग अश्विन। तो भाई साहब ओवरसीज में डंका बजना शुरू हो चुका है कल की का, अभी देखो स्टार्ट हो गया। मैं कह रही हूँ धीरे 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 सिलेक्टेड लोकेशन पे और ये ओपन हो जाएगी। यूके में हो गई अगर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है और भी लोकेशन ऐसी होंगी जहां पर ये ओपन होना शुरू हो जाएगी। पैन यूरोप की अगर बात की जाए तो कल रात को प्रत्यंगिरा सिनेमाज ने एक और मेजर पोस्ट डाली थी, अनाउंसमेंट करी थी ऑफ यूरोप डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा यूरोप वो लोग संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, अभी आज के दिन पर जो हम प्रीमियर की बात करते हैं प्रिल्यूड की, कैनेडा में वो होने जा रहा है, तो कैनेडा वाला जो प्रीमियर है उसको भी प्रत्यंगिरा सिनेमाज ही रन करने वाले हैं, स्क्रीनिंग उसकी करने वाले हैं। सो आप ये सोचो कि एक एक चीज जो है अब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, जो हम सोच रहे थे ना कि प्रमोशनल स्ट्रेटजी होगी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वैसा करेंगे, देखो ये जरूर था कि मंथ ऑफ मई इट जस्ट वेंट लाइक दैट, ऐसे ही निकल गया, वो बिल्कुल ड्राई ड्राई निकल गया, कुछ भी उसमें हुआ नहीं, ना तो कोई बड़ी मतलब, यस बुज्जी इवेंट हुआ 22 तारीख के बाद से हुआ था, वो बुज्जी का रिवील के बाद से आप कह सकते हो कि इट केम बैक ऑन द ट्रैक, बट जो हम कहते थे ना कि भाई वन बाय वन एक के बाद एक प्रमोशन होगा, वो अब जाके स्टार्ट हो रहा है, अब जाके आप कह लो कि स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं प्रिल्यूड की, अब जो मैं आपसे प्रीमियर की बात कर रही हूँ, कहीं कहीं जगहों पर 5 बजे है शाम को, कहीं कहीं पर 3:15 बजे है शाम, दोपहर को, दुबई में मेरे ख्याल से है, थोड़ा सा जल्दी। और अगर हम बात करते हैं बाकी शहरों की, तो वहाँ पर बाकी कंट्रीज की, तो कहीं पर 8 बजे, कहीं पर 7:15 बजे, इसी टाइम के आसपास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेलर जो है ऑफ प्रिल्यूड, दैट शुड कम इन द डे टाइम, आज दिन में किसी समय पर प्रिल्यूड का ट्रेलर 100% आ सकता है, क्योंकि स्क्रीनिंग से पहले ही आएगा वो। तो स्क्रीनिंग अगर 5 बजे से स्टार्ट हो रही है, दोपहर से स्टार्ट हो रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रिल्यूड का ट्रेलर जो है वो लॉन्च हो जाएगा। बट प्रिल्यूड के ट्रेलर की अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई ही नहीं है कि
कि क्या वो आने भी वाला है या नहीं, या सीधा का सीधा जैसे टीजर आया था और फिर उसके बाद अभी लोग स्ट्रीम करना स्टार्ट कर देंगे मिड नाइट से। आज मिड नाइट लगा लो, आज मतलब 31 तारीख बोल रहे हैं, 31st कल से जो स्टार्ट होगा वो आज की मिड नाइट 12 बजे, आज रात 12 बजे से ही स्टार्ट हो सकता है, स्ट्रीम होना ऐसा हो सकता है। बट ये 30 मिनट्स का जो प्रिल्यूड होने वाला है ना भाई, इसको देखने के लिए लोग एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड है। मेरे भी कमेंट सेक्शन में कई लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर में बिलोंग करते हैं और जिनके लिए साकेत का जो लोकेशन है वो आसपास ही है, वो जाकर के प्रीमियर देखने वाले हैं। मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है जान के, मुझे लग रहा है कि भाई यार कैसा होगा पता चल जाए। बस यही है, मुझे थोड़ा सा डर कि लोग लीक्स ना डाल दें उसकी सोशल मीडिया पे, एक तरीके से बस जो है उसको किल ना करें, बिकॉज उससे एक नेगेटिव तो नहीं होता लेकिन वही जैसे कह रही हूँ कि एक बस किल हो जाता है, एक जो हमारे दिमाग में सरप्राइज वाला मतलब मिस्ट्री बनी हुई है कि अच्छा इसमें ऐसे होने वाला है, ऐसा होगा, वो जो है वो थोड़ा कहीं ना कहीं किल हो जाता है। बट स्टिल ऑल सेड एंड डन भाई आ ही जाएगा आज रात को मिडनाइट में, तो इतना क्या परेशान होना उसके लिए। बट यस, अब एडवांस बुकिंग्स तो कह लो स्टार्ट होनी शुरू हो गए। नंबर्स हम लोग कब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब से हम लोग वो जो टेबुलर फॉर्म में मैं आपको नंबर्स बताती थी वो कब से आने स्टार्ट होंगे? मुझे लगता है जब से ऑफिशियली स्टार्ट होगा एडवांस बुकिंग, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में जब 5 तारीख को स्टार्ट होगी उसके बाद ही आएगा जो भी आएगा। हाँ, हो सकता है अनऑफिशियल हमारे पास डेटा आना स्टार्ट हो जाए या फिर कहीं कहीं से कुछ कुछ आता रहता है वो समझ में आ जाए, इतनी लोकेशंस हैं, इतने सारे स्क्रीन्स हैं, यू नो, और इस वर्जन में आ रही है, इस लैंग्वेज में आ रही है, इस चेंज में आ रही है, वो सब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आनी स्टार्ट हो सकती है जल्दी ही। लेकिन मुझे और एक चीज़ का इंतजार है, अभी तक गल्फ का नहीं आया है कि गल्फ में कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एक तो उसकी इन्फॉर्मेशन की मुझे इंतजार है, और दूसरा ये कि जैसे जहाँ जहाँ से एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है कुछ ना कुछ एक अंदाज़ा ऑफ द नंबर्स आना शुरू हो तो एक ट्रेंड बन जाता है फिर, ठीक है। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, ये कल रात की न्यूज़ है, अगर कुछ मिस हो गया है मैं जस्ट चेक कर लेती हूँ। मुझे नहीं लगता है, वैसे कल रात में ना काफ़ी चीज़ें हुई हैं रात रात में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ यूरोप में 40+ कंट्रीज में जो है रिलीज होने जा रही है फिल्म बाय द विलेज ग्रुप एंड प्रत्यंगिरा, दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं। और जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि प्रिल्यूड को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है लोगों में, नाग अश्विन ने ये बोल दिया है कि ऑलरेडी जब आप देखोगे इसको तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं और किसी और दुनिया में हो, तो भैया रेबल स्टार्ट हो चुका है, अब बॉक्स ऑफिस पर सुनामी स्टार्ट होने वाली है, तबाही स्टार्ट होने वाली है। एंड आई कैन नॉट वेट फॉर दिस बिकॉज बहुत लंबा इंतजार हो गया, और मैं सच में जो कलेक्शंस पढ़ने का जो मजा है ना, वो जो रिपोर्ट पढ़ने का मजा है और आपको बताने का मजा उसमें है, एक्चुअली इट्स सो मच फन टू सी हाउ दिस फिल्म इज डूइंग। एंड जस्ट एडवांस बुकिंग के नंबर्स अभी देखना, जब हम नॉर्थ अमेरिका में ओपन होंगे ना, जैसे तो हमने सलार के जो नंबर्स देखे थे हर एक दिन में एक एक भाई एक एक लाख US डॉलर, मैं रुपीज की बात नहीं कर रही हूँ, US डॉलर्स में, 1 लाख US डॉलर्स में ऐसे बढ़ रहा था, और उसको देख के चक्कर आ रहा था, लग रहा था यार अभी तो फिल्म रिलीज से एक एक महीना पहले है, 34 दिन पहले है, अब ये हाल है जब फिल्म रिलीज के आसपास होगी, क्योंकि एडवांस बुकिंग का जो जोर पकड़ती है ना, एक्चुअली जो जोर पकड़ती है एडवांस बुकिंग वो पकड़ती है रिलीज से 2-3 दिन पहले, उस टाइम पे क्या करेगी ये फिल्म जब ये अभी से इतना यू नो इस तरीके की मैडनेस, इस तरीके का मेनिया क्रिएट करके रखे हो, तो भाई 5 तारीख का इंतजार करना, 5 जून को ओवरसीज में स्टार्ट होने वाली है। इंडिया में मैं आपसे बता ही रही थी कि इंडिया में 20-21 तारीख के आसपास हमको लगता है कि 20 तारीख तक स्टार्ट हो जानी चाहिए, बल्कि उससे पहले ही हो जानी चाहिए, 10-10 दिन पहले भी स्टार्ट हो जाती है इंडिया में एडवांस बुकिंग सिलेक्टेड लोकेशंस में, बट ऑफिशियली आई थिंक 20th of June के आसपास जो एडवांस बुकिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द ओवरसीज एडवांस बुकिंग। आपका क्या रिएक्शन इस पे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।